फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेल रही चैनपुर प्रखंड की बेटी सुधा अंकिता तिर्की के चैनपुर पहुंचने पर प्रखंड वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक महकमा के नहीं पहुंचने से ग्रामीण खासा नाराज नजर आए। चैनपुर जैसे छोटे जगह से निकलकर एक बेटी पूरे देश में झारखंड का मान सम्मान को बढ़ा रही है। वहीं उसके गांव वापसी पर प्रशासनिक महकमा का नहीं पहुंचना काफी दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके जिसके लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है। बावजूद एक नेशनल खिलाड़ी पूरे देश के लिए खेलने के बाद वापस लौटती है, मगर उसके स्वागत में ना ही जिला प्रशासन ना ही प्रखंड प्रशासन पहुंचते हैं, यह काफी दुर्भाग्य का विषय है। इस संबंध में चैनपुर प्रखंड प्रमुख ओलिभा कांता कुजूर ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारी बेटी फीफा अंडर 17 वुमन फुटबॉल वर्ल्ड कप में देश के लिए खेलकर लौटी है। प्रशासनिक माध्यम से भी इनका बेहतरीन तरीके से स्वागत होना चाहिए था, मगर प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जो इस खिलाड़ी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। प्रशासन खिलाड़ी के मान सम्मान को नजरअंदाज कर रही है। जिप सदस्य मेरी लापुरा ने कहा कि चैनपुर की बेटी सुधा अंकिता तिर्की अपने खेल के माध्यम से झारखंड का नाम रोशन किया है। ऐसा खिलाड़ी के स्वागत में ना तो जिला प्रशासन पहुंचाना ना ही प्रखंड प्रशासन, जो काफी दुख की बात है। खिलाड़ियों के हौसला को बुलंद करने के लिए प्रशासनिक महकमा को भी आगे आने की जरूरत थी, जिसे देखकर हमारे क्षेत्र के और खिलाड़ी भी इस लाइन में जाने के लिए आगे आते, मगर प्रशासनिक महकमा चैनपुर के इस खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रही है। इस संबंध में जेमेन के जिला उपाध्यक्ष सुशील दीपक मिंज ने कहा कि प्रशासनिक महकमा का सुधा अंकिता तिर्की के सम्मान स्वागत समारोह में ना पहुंचना इस बात को दर्शाता है कि प्रशासनिक महकमा एक नेशनल खिलाड़ी के मान सम्मान को लेकर कितना लापरवाह है। एक तरफ राज्य सरकार हमारे झारखंड के खिलाड़ियों के मान सम्मान व बेहतर सुख सुविधा को लेकर कई तरह की योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक महकमा एक नेशनल खिलाड़ी को इस तरह नजरअंदाज कर रहा है कि उसके घर लौटने पर स्वागत में एक भी प्रशासनिक पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा खिलाड़ी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार से क्षेत्र के ग्रामीण काफी नाराज है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।